आज लाज महाराज जात है मोहे बचालो ब्रजवासी और दुख विनाशी लाज बचालो नाथ द्वारका के वासी। बड़ा सुंदर प्रसंग और बड़ी सुंदर आज व्यवस्था ग्राम डगरिया में इसी बच्चे के जन्म के आधार पर ये सभी महान मूर्तियां आज ग्राम डगरिया में और हमारे कृष्णा साउंड सर्विस डगरिया वाले बहुत ही अच्छा साउंड सर्विस बताया है। और हमारे कैमरा वाले भैया का नाम पता नहीं है, बताया सियावर रामचंद्र की जय, सरस्वती मैया की जय, खेरापति महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, बताया है पार ब्रह्म परमात्मा और सगुण रूप सियाराम जो ब्राजे दरबार में सबसे सीता राम। सभी पाल समाज और मेरे दोस्तों से मेरा वंदन अभिनंदन है और ये नादान बच्चे आपकी सेवा में हाजिर है और जो कुछ टूटा फूटा बनेगा तो आपकी सेवा बराबर करेंगे। धन्यवाद। सुरदे मैया सरस्वती गोरा दीजे ज्ञान, बजरंगी बल दीजिए तान सैन देता। और ईश्वर मिला देते हैं उनसे और अभिलाषा हो जिनसे, फूल श्वास की पत्ती अब रटत पपीरा धुम से, हाँ हमारे परशुराम कुशवाहा जी डगरिया वाले लंबड़दार उनकी तरफ से 51 रुपए का दान प्रदान आया है और मैं उनका सम्मान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बताया ईश्वर मिला देते हैं उनसे और अभिलाषा हो जिनसे, फूल श्वास की पत्ती अब रटत पपीरा धुम से, नीलकंठ के दर्शनी के और का मतलब हो गुण से, ईश्वर को जग में बड़ भागी जिनकी भेंट हो तिरस्मुन से, ईश्वर को जग में बड़ भागी जिनकी भेंट हो तिरस्मुन से। लेकिन हमारे मुन्ना भैया की तरफ से आदेश हुआ था कि राजा उत्तान पात की ख्याल बहुत दिन से सुने का मिली, ऐसे बहुत दिन से हमें गांव में आए का भी नहीं मिलो। बताया अरे भाई ने पोता ने पाद भय जग में और
और जिनकी विद्युत कहानी है और नाम सुनीति था पत्नी का और जो राजा की रानी है बताया। राजा उत्तानपाद ने कहा कि महाराज सारे जग की बाग डोर जा और 11 रुपए का दान प्रदान हमारे मुन्ना भैया की तरफ से दान प्रदान होते हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे जग की बाग डोर जा उस समय तो उनके कर में थी नेह नीत की ध्वजा भूप ने फहरा दी उस जग में थी। बोले महाराज कोई चीज की जरूरत नहीं है लेकिन एक चीज की जरूरत है, अगर हमारी इतनी धन दौलत हो संतान हो जाए तो ये हमारी धन दौलत महाराज ठिकाने लग जाएगी। हाँ हमारे दद्दा जी की तरफ से सुपारी लाल पाल साहब जी डिगरिया वाले उनकी तरफ से 11 रुपए का दान प्रदान आया है और मैं उनका सम्मान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वहां राजा उत्तानपाद ने कहा कि महाराज कोई चीज की चाह नहीं है और लेकिन पीरा सर पे थी उच्चता से बढ़कर चिंता भारी संतान नहीं उस घर में थी। बोले महाराज चिंता एक चिता से बड़ी होती है और अगर संतान न हुई तो हमारी धन दौलत जाना को ले जाए महाराज पता ना पर है। बताया अरे राजा बोले अच्छा पुत्र में अरे वृथा मेरी रे जिंदगानी हमारे
ग्यारह रुपए का दान प्रदान शोकन भैया कुशवाहा जी डगरिया वाले उनकी तरफ से हमारे झीका मास्टर के लिए स्पेशल धन्यवाद। बताया जिस समय राजा बोले अच्छा पुत्र बन वृथा मेरी जिंदगानी है, और नाम सुनीति था पत्नी का जो राजा की रानी है। रानी ने कहा कि महाराज वो दास से क्यों नजर में आ रहे हो, तो रानी ने कहा वहां राजा ने कहा कि रानी का छूना पूछो। बोले महाराज अगर बात बताऊ का है, तब बोले रानी सुनो एक तो हमारे तो माँ धनदौलत बिलात है, और एक तो ऊपर वाले ने संतान नहीं दी, इसे हमारा दिल उदास रहता है रानी। तो रानी ने वहां राजा से कहा हाँ इक्यावन रुपए का दान प्रदान हमारे बंधु भैया और सेवड़ी वाले इक्यावन रुपए का दान प्रदान करते हैं, और उनका सम्मान करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। वहां रानी ने कहा कि महाराज चिंता करने की बात नहीं है, अगर चिंता की कोई बात है तो महाराज दूसरी शादी रचा लीजिए, अगर सुन ले भगवान। रानी कहे अरे ओ पिता और दिल में चिंता ना कीजिए, और चिंता की कोई बात नहीं है, ब्याह दूसरा कर लीजिए। बोले महाराज चिंता नहीं करने, अरे हो सकता है ब्याह करे से, अरे कामयाब के सब रानी ने राजा से ऐसी बातें करी तो राजा कहने लगे, राजा कहे अरियो पगली अरियो पगली, राजा कहे अरियो पगली, मती तेरी बोरानी बताया है। जिस समय राजा ने कहा कि तुम्हारी मति बोरानी है, तो हाँ राजा उत्तान पात कहने लगे, महाराज बोरी चूरियन की, बोरी चूरियन की राखे रहियो लाज, पहरा जाए राजा हर के भैया, गोरी चूरियन की लाके रहियो लाज, पहरा जाए राजा हर के भैया। वहां राजा ने कहा रानी से, अरी तुमरे संग न करिया घेरी, अरी तुमरे संग न करिया घेरी, और बिथना बना दई जा जोड़ी, अब नहीं जान प्रीत जा तोड़ी, मोरी नैया तो
करिए माजे धारे और बताया है रानी ने कहा हो सकता है ब्याह करे से काम में आपके सब सीचे और चाहे अगर भगवान अजी तो काम में आपके सट ही गए। बोले महाराज अगर दूसरी शादी कराए से आपका भला हो जाए तो। और हमारे राजेश भैया श्रीवास जी डिगरिया वालों की तरफ से 11 रुपए का दान प्रदान आया है और मैं उनका बहुत बहुत सम्मान करता हूं। धन्यवाद। बताया है राजा कहे अरियो पगली मती तेरी बौरानी है और नाम सुनीती था पत्नी का जो राजा की रानी है। राजा ने कहा कि एक ब्याह तो मुश्किल पर पता दूसरो ब्याह करवा दे सो तो या फत मुया फत। और 11 रुपए का दान प्रदान हमारे भैया सुखमन भैया कुशवाहा जी बार बार नोटों की बौछार करते हुए मंजीरे वालों को स्पेशल देते हैं। धन्यवाद। जिस समय बताया राजा ने कहा कि एक एक शादी मुश्किल पड़त ओते दूसरो ब्याह करवा को सोचा था तो आफत हो जाए मो जी का तो जैसी रहे सुरे है। रानी कहन लगी महाराज जो कुछ होगा सो देखा जाएगा लेकिन सियात ऊपर वाले की मेहरबानी हो जाए। राजा ने वहां कहा अगर ब्याह में करो दूसरा और तेरी गत क्या होएगी दो औरत के अब होने पर नित्य लड़ाई होएगी। बोले अगर एक से दूसरी हो जाता रोज लड़ाई होने। बोले अरे सोत बुरी होती है घर में और तू सिर पटके रोएगी तुझे कहेगी काग उड़ावा वह परी पलंग पे सोएगी। राजा ने कहा रानी सुनीति से सौत बुरी होती है घर में होती है घर में तू सिर पटके रोएगी तुझे कहेगी काग उड़ावा वह परी पलंग पे सोएगी परी पलंग पे। बोले तो रही जाल माल महलन को और दूसरी याद बा पूरी मालकिन बन जाओ तो चपरासन की तरह राखे। रानी ने कहा कि महाराज जो कुछ होगा सो मैं सब सह लूंगी और मन की तजो गलानी है और नाम सुनीति था पत्नी का जो राजा की रानी है। बोले महाराज जो कुछ कष्ट होगा तो मैं सह लूंगी आपको चिंता ना करें और दूसरी शादी रचाएं। लेकिन यहां बताया आरी ना राम नाम लीना तेरे भरी जवानी में जा डूबे के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बात है ना राम नाम लीना तेने भरी जवानी में
जाडू बेक मर जा रे चुल्लू भर पानी में, जाडू बेक मर जा रे चुल्लू भर पानी में, जाडू बेक मर जा रे चुल्लू भर पानी में। और बताया है क्या लाया गाठी में, एक दिन मिल जाएगा माटी में, एक दिन काया तेरी बंध जाएगी गाठी में, एक दिन काया तेरी बंध जाएगी माटी में। पानी कब बबूला है मिल जाएगा पानी में, जाडू बेक मर जा रे चुल्लू भर पानी में, जाडू बेक मर जा रे चुल्लू भर पानी में। और बताया है क्यों करता मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मर घट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मर घट में डेरा। कुछ कमा नहीं पायो ऐसी जिंदगानी में, जाडू बेक मर जा रे चुल्लू भर पानी में, जाडू बेक मर जा रे। भैया ऐसी को लाट ना खैर वो कोई सुमी ना कर ले नींद टूट जाए कर आई। बताया रानी ने कहा और ये हरगोविंद भैया पाल साहब जी दोनी वाले 11 रुपए का दान प्रदान करते हैं और उनका सम्मान करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बताया है रानी कहे मैं सब सहलूंगी और मन की तजो गलानी है, नाम सुनीती था पत्नी का जो राजा की रानी है, जब केशव न मानी रानी राजा की शादी रचवा ही दी तो राजा वहां बड़े लाचार होकर के शर्म के मारे शादी दूसरी रचाते हैं। और बताते हैं क्या आरी हो करके लाचार भूप ने और शादी तुरंत रचाई है, वो चंद्र दिनों के अंदर अंदर छोटी रानी आई है, आरी डोला खड़ा किया द्वारे पर आए भारी धूम मचाई है। वहां छोटी रानी ने कहा कि राजन आपने हमारे साथ गद्दारी की है,
अगर आप पहले बता देते कि हमारी शादी हो चुकी है तो हम आपसे शादी न कराते। इसलिए बताया कि हमें नहीं जाने से कि राजा तुम्हें हमें जहीं के तहीं करे आओ, और अगर आप पहले बता देते कि हमारी शादी हो चुकी है तो आपसे शादी ना कराते। और राजा ने कहा कि अभय पैदा करवा के दौरे में ले आओ, जब अभय की लड़ाई हो तब भीतर बढ़कर तो जाने का होने। राजा ने विचार किया, राजा कहे अपने मन में और अभय से खेचा तानी है, और नाम सुनीति था पत्नी का जो राजा की रानी है। राजा ने कहा कि जब अभय ऐसी दशा है तो आगे जाने का होने। रानी ने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं है। रानी ने जवाब दिया, राजा को समझाया, कहने लगे आरी मैं पट रानी बनूं अगर तो ओ चेरी से बनना होगा, ताबेदार करूं मैं इसको ऐसे हुक्म करना होगा, अरित्याग सभी आभूषण तन के अरे से अलग करना होगा। जबा शेर भर से पेट भरना होगा, जबा शेर भर पावे दिन में इसे पेट भर। जबा शेर भर पावे दिन में इसे पेट भरना होगा, दूध की आशा देख भैंस का और खरी खिलाई जानी है, नाम सुनीति था पत्नी का जो राजा की रानी है। वहां रानी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, लेकिन यहां बताया आरी थाने बेले धरा में न हो बे
आरी ताने बेले धारा में न हो बे लला ने बेला सोहेरे बताया है वहां राजा ने कहा रानी से कि रानी ऐसा है कि जो कुछ हुआ सो हुआ और अब प्रेम से रहो और मुझे सुख चैन से जिंदगी जीने दो। तो रानी ने कहा लिए हाथ में बास महल के और रानी काग उड़ाती है तब नई रानी उतर डोला से महल ने अंदर जाती है। जब सब बातें ठहरानी छोटी रानी ने तो वहां राजा से बड़ी प्यार भरी बातें करने लगती हैं। लिए हाथ में बास महल के और रानी काग उड़ाती है तब नई रानी उतर डोला से महल ने अंदर जाती है। अरे हुआ शाम का वक्त एक दिन नई रानी सेज लगाती है और रहमत नैया एक मिनट की है। अरे ऐसी मद की माई है लगे। महाराज हुआ शाम का वक्त एक दिन नई रानी सेज लगाती है रहमत नहीं एक मिनट की ऐसी मत की माटी है। वहा रानी से राजा ने कहा स्वागत किया है। जिस समय राजा
महलों में पहुंच जाते तो रानी मुस्कुरा जाती है, बोले आओ आपका स्वागत है। पहुंच गए राजा महल में और मन ही मन मुस्कानी है। नाम सुनी तीता पत्नी का जो राजा की रानी है। वहां रानी मुस्कुरा जाती है तो राजा रानी को थोड़ी देर दरबार करते हैं और इसके बाद कहते हैं रानी तुम महलों में रुको, हम शिकार खेलने जाते हैं। वहां राजा ने विचार किया, स्वागत किया है नई रानी का और कई रैन रवि उदय भये। सोचानी अब निर्मत हो गए भूप सभा की ओर गए। वहां अर किया बंदे दरबार एक दिन, अरे खेलन भूप शिकार गए। अध के रैन हो गई थी जान के, अरे भूप सुनी थी द्वार गए। अध के रैन हो गई थी जान के, भूप सुनी थी द्वार।